बीबीसी दुनिया में आज देखिए रूस पर यूक्रेन का पलटवार। रूस के हमले के बाद यूक्रेन को दोबारा कैसे बनाया जाए, लंदन में इसको लेकर हो रही एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस। कुछ इलाकों में यूक्रेन कैसे खदेड़ रहा है रूस के सैनिकों को, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। रूस यूक्रेन के वार पलटवार की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहे जाने पर चीन हुआ नाराज, कहा ये उकसाने वाला बयान। चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने की थी शी जिनपिंग की तानाशाहों से तुलना। साल भर चले स्पेशल अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में बीबीसी को मिली जानकारी, अमेरिका से इंडोनेशिया तक दुनिया भर में फैला है बंदरों को प्रताड़ित कर वीडियो बनाने का जाल। दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यूएन मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग। पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है योग का क्रेज, दिखाएंगे पाकिस्तान से खास रिपोर्ट। We have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों से की शांति की अपील, कहा 50 दिनों से मणिपुर में एक भयावह मानवीय त्रासदी, उजड़ा हजारों लोगों का जीवन। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। रूस यूक्रेन जंग में पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है और देश के कुछ हिस्सों से रूसी सैनिकों को खदेड़ने में कामयाब भी हुआ है। इस दौरान यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों पर F-16 लड़ाकू विमान देने का दबाव भी बना रहा है, जिससे उसे जंग जीतने में मदद भी मिल सकती है। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बीबीसी से कहा है कि रूसी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई उतनी तेज नहीं है जितनी उसे होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जब तक उनके सैनिक आगे बढ़ रहे हैं वो काफी है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब लंदन में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां सैकड़ों नेता और कारोबारी इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए जुटे हैं कि रूस के साथ जंग के बाद यूक्रेन को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। इसी साल मार्च में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि यूक्रेन को दोबारा संवरने में $400 अरब से ज्यादा की जरूरत होगी और ये लागत बढ़ती जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस से पहले बीबीसी संवाददाता याल्दा हकीम से बात करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यह बात दोहराई कि उन्हें F-16 लड़ाकू विमानों की जरूरत है, साथ ही नेटो सैनिस गठबंधन में शामिल होने की बात भी दोहराई। Тут є вже ті чи інші бюрократичні моменти, на жаль, які я не можу і не хочу розуміти, тому що ми у війні і нам потрібно все швидше. Безумовно, ціна час. І це життя. А вже ж будемо тиснути і пришвидшувати дати, але мені здається, що це може бути серпень. І після початку тренування я, ну, будемо вірити, що за 6-7 місяців ми будемо мати літаки, перші літаки. पिछले लगभग 2 हफ्तों से यूक्रेन अपने दक्षिणी और पूर्वी इलाकों से रूसी सैनिकों को खदेड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन काफी लंबी है, करीब 1000 किलोमीटर तक फैली है और रूसी सैनिकों ने अपने मोर्चे बहुत मजबूत कर लिए हैं। बीबीसी संवाददाता क्वेंटिन सॉमरविल और वीडियो जर्नलिस्ट डेरेन कानवे ने यूक्रेन की 68 येगेर ब्रिगेड के साथ दक्षिण पूर्व इलाकों का जायजा लिया। इस रिपोर्ट के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। जो कभी उनका था उसे दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। 2 हफ्ते पहले ये जगह रूसी सैनिकों के कब्जे में थी। 3rd Storm Brigade के लिए फ्रंट लाइन तक का सफ़र अब लंबा हो गया है। यहाँ पूर्व और दक्षिण में रास्ता अभी बहुत लंबा है। यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस ने यहाँ कब्जे के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन 3rd Storm Brigade ज़्यादा बहादुरी से लड़ी। एक एक कदम संभल कर, क्योंकि यहाँ रूसी बारूदी सुरंगें हो सकती हैं। ये रूसी उपकरण और यूनिफॉर्म्स हैं। हाँ, राशन और उपकरण, राशन और सब कुछ। हम एक और मोर्चे पर गए जहां यूक्रेन को सफलता मिली है। 68 येगेर ब्रिगेड के जवानों ने बलाहा दाडनी गांव को हासिल करने के लिए रूसी मरीन्स के साथ 3 दिनों तक लड़ाई की। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि रूसी सैनिकों की गतिविधियों का यही मुख्य इलाका था।
area of activity for Russian soldiers. And we can see here, it looks like it's been fighting. और हम देख सकते हैं कि यहाँ लड़ाई कितनी नजदीकी थी. Very close. Yeah, this is very difficult. हाँ, ये बहुत मुश्किल था. हर किलोमीटर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. मैं जानता हूं कि हमने कितने लोगों को खोया है, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं सकता. यहां रूसी सैनिकों के और शव हैं. रूसी सैनिक, एक, दो, तीन. यहाँ अभी भी लड़ाई जारी है. पहाड़ियों पर रूसी बंदूकें हैं. आप उनकी जद में हैं. पहाड़ियों पर रूसी बंदूकें हैं, लेकिन हमारी असल मुश्किल वहाँ है, जो लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है. वो रूसी ठिकाने हैं. हाँ, रूसी ठिकाने. आंद्रेई अगले हमले के लिए ऑर्डर दे रहे हैं. हमला होना तय है. डीजल, ये बहुत अहम है. तुम्हें लोगों को सुनना होगा, ध्यान से सुनना होगा, और वो जो कहें वैसा करो. और मुस्कुराओ. इतने गंभीर क्यों हो? इस जंग को हम जीत रहे हैं. कुछ ही घंटे बचे हैं. वो अपना सारा सामान पैक करते हैं और खाइयों के लिए तैयार हो जाते हैं. ये एक खास ड्रोन यूनिट है जो हमले में अहम भूमिका अदा करती है. उनके चारों ओर धमाकों की आवाज है. उन्हें तेजी से निकलना होगा और रूसी ठिकानों के नजदीक पहुंचना होगा. इस जंग की कीमत हर जगह नजर आती है. तबाह हुई पश्चिमी बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा सकती हैं. लेकिन रूस को भी यूक्रेन का पलटवार शुरू होने के बाद कई टैंकों और वाहनों को नुकसान हुआ है. दिन गर्म है और बलाहा दार्डनी के पूर्व में यूक्रेन के हमले शुरू हो गए हैं. ड्रोन यूनिट के यूरी गोलाबारी रुकने का इंतजार नहीं कर सकते. दुश्मन के ठिकानों की ओर जिस ड्रोन को वो भेज रहे हैं, उसमें ग्रेनेड और स्मोक बम लगे हैं. आजकल उन्हें एक दिन में 5 ड्रोन का नुकसान हो रहा है. खतरा सिर्फ रूसी तोपखाने का ही नहीं है. रूसी हेलीकॉप्टर और रूसी जेट्स हर दिन हर इलाके में गोलीबारी करते हैं. हर बार शेल्टर में जाना पड़ता है, और ये किस्मत की बात है. और अभी अभी यही बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है. यूक्रेन के मुकाबले रूसियों को सबसे बड़ी बढ़त हवाई हमले में है. यूक्रेन जमीन पर हमले कर रहा है, लेकिन रूस के पास हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू विमान हैं, जिससे यूक्रेन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है. लड़ाई जीत ली गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. लेकिन जब हम वापस लौट रहे थे, तो रूसी तोपखाने ने आंद्रेई के काफिले को निशाना बनाना चाहा. हमें तेजी से निकलना होगा. उनचास साल के इस कमांडर पर एक और बोझ है, और वो है उनके बेटे की यादें. This helmet of my son. A little bit smaller for me, but ये मेरे बेटे का हेलमेट है, जो मेरे लिए थोड़ा छोटा है, लेकिन यही अब यादें हैं. This like a man. ये है 21 वर्षीय ओस्ताप, जो अपनी मौत से एक दिन पहले रिकॉर्डिंग कर रहा था. वो और उनके पिता एक ही मोर्चे पर लड़े थे. जवाबी कार्रवाई शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले वो एक रूसी ड्रोन हमले में मारे गए थे. ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा. आपने अपना बेटा खोया है. क्या आप अपने बेटे के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं, प्लीज? वो मेरे लिए एक हीरो की तरह बनना चाहता था, और वो इसमें कामयाब भी हुआ. मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो हीरो बनना चाहता था, और वो जीत गया. यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन वापस तो ले सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो कभी वापस नहीं आ सकता. टाइटैनिक का मलबा देखने गए गुमशुदा सबमरीन की तलाश
जोर शोर से हो रही है। माना जा रहा है कि टाइटन नाम की सबमरीन में फंसे लोगों के पास अब सिर्फ 20 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इस बीच तलाश तेज हो गई है क्योंकि सबमरीन में गए गुमशुदा हुए 5 लोगों के बारे में एक अहम जानकारी मिली। एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट ने समंदर से आ रही आवाजों को सुना, जिसकी जानकारी यूएस कोस्ट गार्ड्स ने ट्विटर के जरिए दी। गुमशुदा हुए लोगों की खोज अब तेजी से हो रही है और इसमें भारी उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ निजी कंपनियां भी जुटी हैं। ताजा जानकारी इस पर दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता कार्ल नॉसमैन। Now this tweet is coming just a few अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि उन्हें गायब हुई पनडुब्बी से कोई आवाज सुनने को नहीं मिली। खोज में लगे एक कनाडाई एयरक्राफ्ट ने दावा किया था कि उन्होंने पनडुब्बी से आने वाली कुछ आवाजें सुनी हैं। अमेरिका की 2 समाचार एजेंसियों ने भी इसी तरह के दावे किए थे। बीबीसी इन खबरों की पुष्टि नहीं कर सकता, पर इन दोनों ही खबरों से एक संकेत तो मिलता है कि गुमशुदा हुए लोगों को ढूंढने की उम्मीद अब भी बनी हुई है। और यूएस कोस्ट गार्ड्स ने यह भी कहा है कि वो यूएस और कनाडा के साउंड एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही 3 और स्पेशलिस्ट शिप्स इस सर्च ऑपरेशन में जुट गई हैं। और बीबीसी की एक जांच में पता चला है कि किस तरह यूके और अमेरिका के लोग दक्षिण एशिया में मौजूद बंदरों को वीडियो पर टॉर्चर करने के लिए पैसे दे रहे हैं। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंडोनेशिया में 2 लोगों को जेल भी भेजा गया है। बीबीसी संवाददाता रेबेका हेंशके ने अंडरकवर जाकर और जानकारी जुटाई। उनकी इस रिपोर्ट में टॉर्चर की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं। बंदर के बच्चों को प्रताड़ित किए जाने के ये कुछ वीडियोस हैं। यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियो मौजूद हैं। इस टॉर्चर रिंग के केंद्र में थी मिनी। That's Minnie. Minnie is artist in my YouTube. What do you want Minnie to? जो लोग चाहते थे कि मिनी उनके मुताबिक कुछ करे, वो लोग पूरी दुनिया में फैले हैं और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को YouTube पर ढूंढा और फिर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर प्राइवेट ग्रुप्स बना लिए। यहाँ उन्होंने बंदर के बच्चों को प्रताड़ित करने के नए नए तरीके डिस्कस किए और फिर वीडियोस बनाने के लिए चंदा जमा किया। इससे जुड़े लोगों को पहचानने की कोशिश में हम महीनों अंडर कवर रहे और फिर इसके पीछे के खिलाड़ियों में से एक को अमेरिका में ढूंढ निकाला। I'm the man. मैं ही वो शख्स हूँ। आप चाहते हैं कि बंदर से कुछ करवाया जाए, मैं करवा सकता हूँ, पर इसके लिए पैसे लगेंगे। आप इस कम्युनिटी के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक को चलाते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन मुझे उस पर कोई गर्व नहीं है। क्या आपने बंदरों को हो रहे दर्द के बारे में सोचा? उस वक्त तो नहीं, तब तो मैं बस पैसों के बारे में सोचता था। वो उन 25 लोगों में से एक हैं जिनकी अमेरिकी अधिकारी जांच कर रहे हैं। You wanna see the mini? Yeah. एक संभावित खरीदार बनकर हमने इंडोनेशिया में मिनी को प्रताड़ित करने वाले को ढूंढ निकाला। आप इन्हें मारते हैं, क्या आपको ये अच्छा लगता है? हाँ, जब मैं गुस्से में मारता हूँ, मैं जोर से दीवार की ओर चीखता हूँ। हमने इंडोनेशियाई पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिन्होंने इसे गिरफ्तार किया। मिनी के साथ माइलो नाम के बंदर को बचा लिया गया। ब्रिटेन में एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए हम एक पुलिस रेड में शामिल हुए। महिला पर इस कम्युनिटी में शामिल होने का आरोप था। मुझे लगता है उन्हें आज सुबह तब थोड़ा सा झटका लगेगा जब उनके दरवाजे को हम खटखटाएंगे। पर बेबी मंकीज ही क्यों? ऑब्सिन पब्लिकेशंस एक्ट के तहत गिरफ्तार की गई 3 महिलाओं में से ये एक हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्टिविस्ट उस कानून को और कड़ा करना चाहते हैं ताकि सोशल मीडिया कंपनीज को जानवरों को प्रताड़ित करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए मजबूर किया जा सके। The online safety bill does not include... मुझे लगता है कि लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन सेफ्टी बिल में एनिमल टॉर्चर को नहीं रखा गया है। would be astonished that it's not included. बंदरों को टॉर्चर करने वाले कई ग्रुप्स अब भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। YouTube ने हमें इंटरव्यू देने से मना कर दिया, पर कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर जानवरों को सताने वाले वीडियोस की कोई जगह नहीं है। टेलीग्राम ने भी बात करने से इनकार कर दिया, पर कहा कि वो उपभोक्ता की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मिली फिलहाल इंडोनेशिया की एक सेंचुरी में है और उम्मीद है कि उसे जल्दी ही जंगल में वापस छोड़ दिया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर दुनिया भर में कई जगहों पर लोगों ने योग किया। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन हेडक्वार्टर में योग किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन जीने का तरीका योग है। पाकिस्तान में भी योग के मुरीद कई हैं। पाकिस्तान के क्वेटा के हाजी बहादुर खान बलोच
ना सिर्फ कई सालों से योग कर रहे हैं बल्कि लोगों को योग सिखा भी रहे हैं। करीब 100 लोग उनसे योग सीखते हैं। देखिए क्वेटा से सादुल्ला अख्तर की ये रिपोर्ट। आज ही बहादुर खान बलोच मेरा नाम है, रिंद कबीले से मेरा ताल्लुक है। क्वेटा में रहता हूँ, सर्दियों में 2-3 महीने के लिए मैं कराची जाता हूँ, तो उधर दो हमारे घर के सामने पार्क था, फिर उधर लोग योगा कर रहे थे तो हमने भी उधर से योगा सीखा। सबसे बेस्ट जो है इसका फ़ायदा ये है कि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल चेंज होगा। मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ कि मुझे ब्लड प्रेशर था, मुझे सांस का तकलीफ था, 6-7 साल से जो हमने योगा किया मेरा सर्वाइकल का मसला वो ख़त्म हुआ, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म, सांस का मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भाग भी दौड़ भी सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको अपना बलूचिस्तान में अपने इलाकों में इसको किस तरह फैलाऊं और इसको किस तरह शुरू करूं। पिछले 14 अगस्त में हमने 2-4 बंदों से अल्हम्दुलिल्लाह बेजलजी पार्क में शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 100 के करीब हमारे मेंबर है, रोज़ाना 80-90 तो हम एक्सरसाइज में करते हैं। मेरा कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक जो हंसना है खूब चेहरा है वो हमारा फीस है बस, और कोई फीस नहीं। यंग लड़के भी है और एज के भी लड़के है हमारे साथ, नामवर वकील भी है हमारे साथ, 2-3 डॉक्टर बड़े हैं, सर्जन लेवल के डॉक्टर है। फीमेल का भी सर अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम करें, फीमेल भी हमारे पास आ रहे हैं कि हमारे लिए सर, और हम लोगों से ज़्यादा उनको ज़रूरत भी है। ख्वाहिश है, मेरा तमन्ना है कि पूरा क्वेटा के जितने पार्क हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन सब में करें और पूरा बलूचिस्तान में इसको फैलाए। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है। Thank you.